स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। श्रीनगर थाना से चंद कदमों की दूरी पर फायरिंग की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि बाइक में सवार तीन लोग आए और उन्होंने रेस्टोरेंट में खाने का ऑर्डर दिया। ऑर्डर में लेट हुआ तो बाइक सवारों ने रेस्टोरेंट संचालक को धमकी देते हुए फायरिंग कर दी। आरोपियों ने तीन बार फायरिंग की। अच्छी बात यह थी कि फायरिंग में किसी को कोई चोट नहीं आई। फायरिंग करने के बाद तीनों ही बाइक सवार मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची विजयनगर थाना पुलिस फायरिंग करने वालों की तलाश शुरू कर दी है। एसपी आदित्य प्रताप सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य मौके पर पहुंच गए और उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की। एएसपी कमल मौर्य ने बताया कि बाइक में सवार तीन लोग आए थे, उन्होंने खाने को ऑर्डर दिया। बताया जा रहा है कि ऑर्डर में रेस्टोरेंट संचालक को देरी हो रही थी, इसी से नाराज होकर तीन लड़कों ने फायरिंग की और फिर बाइक में सवार होकर फरार हो गए। घटना में किसी को चोट नहीं आई लेकिन क्षेत्र में दहशत जरूर फैल गई है। जानकारी मिलते ही विजयनगर थाना पुलिस स्टाफ के साथ मारूताल थाना पुलिस का अमला मौके पर पहुंच गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य ने बताया कि फायरिंग करने वाले तीनों ही लड़कों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही तीनों ही लड़के पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पुलिस यह भी जानकारी जुटा रही है बाइक में सवार लड़के जिन्होंने की फायरिंग की थी वह कहां के रहने वाले हैं। बहरहाल जबलपुर शहर में नाकाबंदी कर दी गई है। जल्द ही आरोपी पुलिस गिरफ्त में होंगे। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। ये यहाँ कुछ दो तीन लड़के थे जो खाना खाने आए थे। उन्होंने जो भी खाना ऑर्डर किया था वो अभी जो प्रथम दृष्टया ये आ रहा है कि उन्होंने जो खाना ऑर्डर किया था वो लेट डिलीवरी में लेट हुआ, तो उस चक्कर में वो नाराज हो गए और झगड़ा किया और उन्होंने फायरिंग किया। इस घटना की तस्दीक TI मैडम के द्वारा कर ली है। CSP भी आ गए हैं, मैंने मौके देख लिया है। उसमें हम जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर यहाँ पर थाने का बल मौजूद रहता है, कोई स्टाफ नहीं रहता है यहाँ जगह चौराहे पर? सब जगह स्टाफ लगा हुआ है और हर जगह पर नहीं होता है। थानों चौराहे पर रहता है, सड़क पर रहता है, थाने में रहता है और अन्य जगहों पर भी रहता है। और शहर बहुत बड़ा है तो यहाँ एट ए टाइम तो हमको पता नहीं रहता है कि वो घटना घटित हो जाएगी। घटना घटित करने के बाद मौके पर पुलिस आ गई है। इस खबर पर आपकी क्या है राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।